माइक की क्वालिटी आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं। हेलो गाइज, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा कि 1 फरवरी है और आपको बाहर फॉग दिखाता हूँ किस तरीके का बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है दिल्ली के अंदर। और आप सो गाइज मैं आपको फॉग दिखाता हूँ कितना ज़्यादा फॉग है। और आपको सो गाइज आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर फॉग है। आपको दिखाता हूँ नज़दीकी में, अगर ये तो कुछ नहीं, अगर मेन रोड पर जाता हूँ, अभी मैं गया था उस साइड में तो बहुत ज़्यादा फॉग था। 100 मीटर की दूरी में कोई बंदा दिखाई देने का राजी नहीं था यहाँ, तो फिर भी दिखाई दे रहा है। कल फोन और एक हो जाए आईफोन। हाय गाइस, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आप लोग सोच रहे हो कि ये चैनल किसका है? ये तो रोहित का चैनल है, लेकिन आज इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ है अनिल और रोहित भी है साथ में। रोहित गाइस चांदनी चौक में गया था कल और मैंने वहाँ पर एक माइक देखा, बोया BY MM1, जो कि ब्लॉगर्स के लिए होता है। बहुत अच्छा ये माइक है और काफ़ी सस्ते रेट पर वो वहाँ पर हमें मिल रहा था। माइक इसको अगर आप ऑनलाइन मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो ये माइक आपको मिलेगा करीब 1900 रुपये का। बोया का ये बोया MM1 माइक है, लेकिन वहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में, चांदनी चौक के ऑफलाइन मार्केट में ये हमें मिल रहा था सिर्फ 800 रुपये का। तो मैंने जल्दी से रोहित को फ़ोन मिलाया, मैंने पूछा भाई रोहित तेरे को माइक चाहिए तो बता मेरे को, यहाँ पर काफ़ी सस्ते रेट में मिल रहा है माइक। तो रोहित ने बोला, थोड़ा सोचा, थोड़ा सोचने के बाद रोहित ने बोला चल भाई ले ले मेरे लिए एक। तो ये कल रात को ही मैं इसके लिए ले आया था, लेकिन मैं रोहित को ये कल रात को दे नहीं पाया क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं सीधा अपने घर चला गया और अभी मैं इसको लाकर दे रहा हूँ। तो रोहित इस माइक की क्वालिटी आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं, मस्त एकदम, जिसे एकदम बढ़िया क्वालिटी का माइक है, बेहतरीन। गाइज आप जो ऑडियो अभी सुन रहे हो वो इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको अभी का ऑडियो ज़्यादा बेटर लग रहा है या पहले वाला ऑडियो ज़्यादा अच्छा लगता था। वैसे अनिल के क्या थॉट्स है इसके ऊपर? अनिल बताना नहीं बाबू। अनिल ये देखने में माइक कैसा लग रहा है तेरे को? माइक काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम प्रोफेशनल माइक है और इसकी जो क्वालिटी है, जो इसकी जो वॉइस है, काफ़ी बेटर वॉइस है इसकी, काफ़ी बेटर वॉइस है। गाइस हम लोग चलते हैं एक पेड़ की तरफ जो लेटा हुआ हो, जिसके ऊपर हम चढ़ के थोड़ा आपको स्टैंड दिखा सकते हैं। जंगल तो हम लोग जा रहे हैं, अनिल भी हैगा साथ में, आकाश हैगा और मैं भी हूँ साथ में। अब चल रहे हम लोग पेड़ के पास में, वो एक मेरे को पेड़ दिखाया, आपको दिखाता हूँ मैं अभी, वहाँ पे चल रहे हैं। ये सोने घर में जमुना जंगल है ये, और देख रहे हो कितना सूखा हुआ, थोड़ा पतझड़ के बाद ठंडा ही, अभी इस पर नए पौधे नए पत्ते आने वाले ना, इसलिए ऐसे यहाँ मतलब घूमते रात को भाई लोग। हाँ ना तो ध्यान से आना है, चुड़ैल घूमती है। मैं तो क्या सोचता था यार, मजाक में जवाब है। आकाश बताइए उस दिन हम लोगों ने देखी नहीं थी वाइट वाली लड़की थी, सॉरी गाइस वो लड़की थी, अच्छा लड़की थी। तो काफी सावधानी से गाइस हमें पेड़ मिल चुका है, ये रहा पेड़, और हम इस पेड़ पे चढ़ेंगे और उसके बाद कुछ शॉट लेंगे। Oh my God, it's the mad beats. जैसे कि मैं अभी इस पेड़ से नीचे उतर रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। जैसे कि फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ। तो गाइस क्या कहूँ मैं आपसे, मैं थक गया। हाय गाइस, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। गाइस व्लॉग क्या ही बोलूँ, मेरे को व्लॉग करना तो आता नहीं है। ये रोहित का व्लॉगिंग चैनल है, बस मैं अपनी वीडियो इसलिए शूट करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपना एक वीडियो बनवाना है और मैं इस माइक की रेंज चेक करना चाहता हूँ कि इस माइक की रेंज कितनी, मतलब कितनी दूर से मेरी आवाज़ को कैच कर रहा है, कितनी दूर की आवाज़ को ये कैप्चर कर पा रहा है। क्या हम इस माइक का यूज़ करके कॉमेडी वीडियोस, स्किट वीडियोस बना सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो गाइस ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा उन सभी लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं और अभी स्किट वीडियो, कॉमेडी वीडियोज़ बनाना चाहते हैं। तो गाइस बज रहे शाम के 6 और करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय। बहुत ही ज्यादा रिस्की है, जैसे कि